जवान बन गए, सीमा पर तैनात हैं, लड़ते हुए शहीद हो गए, अशोक चक्र का सम्मान भी मिल गया। पत्नी ने उस सम्मान को लिया और उस सम्मान के बाद क्या होता है, इस रिपोर्ट को देखिए। स्वर्गीय लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी की पत्नी श्रीमती भावना गोस्वामी। तो 26 जनवरी 2016 को शहीद मोहननाथ गोस्वामी को मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और जब राष्ट्रपति ने पत्नी के हाथ में यह सम्मान दिया तो पत्नी ने महसूस किया पति देश के लिए कुर्बान हो गया, अब सम्मान के साथ जिंदगी कट जाएगी। और पति तो 3 सितंबर 2015 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे, लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी। पत्नी और घर में छोटी बच्ची, उत्तराखंड के नैनीताल में घर, शहादत पर गर्व हर किसी को। सम्मान मिल रहा है, पूरा देश के बेटे हैं वो। लेकिन वक्त बीता और फिर सिर्फ यादों और गर्व के आसरे तो जिंदगी चलती नहीं, जीविका चलाने के लिए पैसे भी चाहिए। पर त्रासदी देखिए, जिस देश की आन बान शान के लिए मोहननाथ गोस्वामी ने सर्वोच्च बलिदान दिया, उस देश के सिस्टम ने उनकी पत्नी को चंद रुपयों का मोहताज बना दिया। सखी है कि मुझे नौकरी दी जाए, मैंने एमए किया है, क्या मेरे लायक वो कोई नौकरी नहीं है क्या उत्तराखंड में। मोहननाथ की शहादत के वक्त तब के मुख्यमंत्री हरीश रावत दुख जताने उनके घर नैनीताल के बिंदु खता पहुँचे थे, वादा किया था कि पत्नी को नौकरी देंगे, लेकिन चुनाव आ गए और कुर्सी चली गई हरीश रावत की, सूबे का मुखिया बदल गया, दूसरा मुखिया आया, उसने ध्यान नहीं दिया और अब शहादत के 3 बरस बाद पत्नी भावना को नौकरी तो दूर, 12,000 रुपए की पेंशन के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कि इस समस्या का बहुत जल्दी समाधान करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ भावना एक भावना गोस्वामी का नहीं है, ये तो ऐसा अशोक चक्र विजेता शहीद की पत्नी का मामला है। एक तरफ बैंक कहता है कागज पूरे नहीं, अधिकारी कहते हैं जल्द कार्रवाई करेंगे, और जो सत्ताधारी हैं वो तो अपना काम किए जा रहे हैं। दिल्ली जाकर के उसका पूरा प्रदेश से भी और देश से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, जहाँ से भी होगा उसकी जानकारी करके और उनको जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। यानी हर कोई कहता है कुछ करेंगे, कार्रवाई होगी, पर कब? ये शहीद मोहननाथ गोस्वामी की पत्नी भावना को नहीं पता, वो सिर्फ महसूस करती है और उन यादों को ही दिल में बसाए हुए जिए जा रही है, जिस वक्त राष्ट्रपति ने सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया था। लेकिन महसूस करते हुए बार बार वो अपने 9 बरस की मासूम बेटी को देखती है, जिसका लालन पालन होगा कैसे वो अभी नहीं जानती। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।